मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानब से पेश किए जाने वाले इस मनु नॉलेज सीरीज प्रोग्राम में मैं डॉक्टर एस मकबूल अहमद आपका खैर मकदम करता हूँ नाजरीन रोजा इस्लाम का तीसरा रुकन है इसकी बड़ी अहमियत और फजीलत बयान की गई है अरबी में रोजे को सोम या सयाम कहा जाता है सोम के मानी रुक जाने का है मौजू पर गुफ्तु करने के लिए आज हमारे दरमियान मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर के चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर खुतुबुद्दीन अंसारी साहब तशरीफ फरमा हैं डॉक्टर अंसारी साहब आपका स्टूडियो में मैं तहदल से इस्तबाल करता हूँ डॉक्टर साहब सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि माह रमज़ान की आमद से तमाम लोग बड़े खुश होते हैं कहते हैं कि बबरकत वाला महीना फजीलत वाला रहमत वाला और मकफ़रत वाला महीना शुरू हो रहा है और साथ साथ जब रोज़ों की बात करते हैं तो लोग बड़े एहतमाम के साथ रोज़ा रखते हैं और बाज़ लोग रोज़े से घबराहट महसूस करते हैं और मैं अक्सर सुना कि बज़ लोग कहते हैं कि रोज़ा रखने में कमज़ोरी होती है तो इसलिए मेरा यह सवाल है कि क्या रोज़े की वजह से क्या कमज़ोरी होती है देखिए मेरे नज़र से ये एक अप्रहेंशन और डर है क्योंकि इंसानी फितरत ये है कि इंसान लिविंग के लिए गज़ा लेना चाहिए अब जब आप ये रोक देंगे खाने हाँ, पीने से एब्सटेंस फ्रॉम फूड एंड लिक्विड्स होगा तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि भाई मैं कमज़ोर हो जाऊँगा हाँ, मगर हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके हार्डली कोई नुकसानात है और इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको एक एक करके इनशाला इस इंटरव्यू के दौरान आपको बताते जाऊंगा सबसे पहली बात कमज़ोरी हाँ ये लोगों में थोड़ी बहुत कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं जैसा कुछ लोग बिना शहर के रोज़ा रह जाते हैं सही बात। या डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटिक पेशेंट गज़ा कम लिया है शहरी में और उसके ऊपर से दवा भी खा लिए जबकि ऑलरेडी इनकी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नॉर्मल पे है जिया जिया। हो सकता है डोसेज ज़्यादा हो तो थोड़ा बहुत कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं अच्छा। मगर अल्लाह ताला एक ऐसा निज़ाम दिया है कि आप जो भी गज़ा लेते हैं हाँ। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, फैट्स ये तीनों का मेटाबॉलिज्म जज्बा हाजिमा जो है हाँ। वो इतना इफेक्टिव है जैसा एक एग्जाम्पल मैं बताऊं आपके पास एक छोटी करेंसी है आप यूज़ कर रहे हैं हाँ। जब आपके पास वो एक्सेस हो जाएगी तो आप उसको एक बड़ी करेंसी में तब्दील करके रिजर्व बैंक में आप उसको जमा करते हैं जैसा लिवर यहाँ पे हमारी रिजर्व बैंक है और फास्टिंग के दौरान उस वक्त वो फिर से रिकन्वर्ट होती है जैसे ग्लूकोस सुक्रोस फ्रैक्टोस और ग्लाइकोजिन ग्लाइकोजिन एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोस मेटाबोलिज्म का कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म का जी तो वो फिर जब आप फास्टिंग करते हैं और बॉडी को रिक्वायरमेंट्स होते हैं और उस वक्त ब्लड स्ट्रीम में आपकी शुगर बराबर नहीं होती है तो उस वक्त ग्लाइकोजन रिकन्वर्ट होती है फिर वो ग्लूकोस फॉर्म में आती है अच्छा ये मैं एक्सप्लेन करने में आपको इतनी देर लग रही है मगर बहुत फास्ट ये प्रोसेस होता है जो साइकिल हम बोलते हैं उसके थ्रू तो उसमें फिर से वो एनर्जी आपको

जिस पे प्रेशर या टेंशन पैदा होता है या टेंशन और प्रेशर पड़ता है ब्लड प्रेशर कम होगा क्योंकि आप जब फास्टिंग में रहेंगे तो आपके बॉडी फ्लूइड्स कम होंगे तो वॉल्यूम जब कम होगा तो बी भी कम होगा और दूसरी चीज़ अक्सर गज़ा कम लेने से आपका सॉल्ट इंटेक कम रहेगा सॉल्ट इंटेक कम रहने से क्योंकि सॉल्ट एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है जो मॉइस्चर या लिक्विड्स को एब्जॉर्ब करता है नॉर्मली आप सॉल्ट जब ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी में जो है बॉडी फ्लूड्स बढ़ के ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है रोजों में तो और कम होगा क्योंकि सॉल्ट इनटेक कम हो जाएगा अच्छा डॉक्टर साहब जब इंसान तीस दिन के जो रोजे रखता है तो ऐसा मालूम हो रहा है कि डाइजेस्टिव लेकिन उसके बावजूद रोजों के दौरान हाजमी निजाम पे या डाइजेस्टिव सिस्टम पे किस तरह का असर पड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे सबसे बेहतरीन इफेक्ट होता है क्योंकि आप साल के ग्यारह महीनेंग जैसा एक एग्ज़ाम्पल दो मैं आप पिज़ा ऑर्डर किए हाँ और पिज़्ज़ा खा रहे हैं और उसका जो बॉक्स है कचरा आप वहीं रखें आपको साफ़ करने का मौका नहीं मिला है जी मगर रोजे में जो है आप डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना रेस्ट दे रहे हैं कि टॉक्सिन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हैं इंटेस्टाइंस में या दूसरे ऑर्गन्स में ये पूरे क्लीन होने का टाइम मिलता है अच्छा, और अच्छा। उसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन लिवर और किडनी में होता है यानी अच्छा, आप जो भी खाते हैं गजा या दवा हर चीज वो डिटॉक्सिफाई होती है लिवर और किडनी से तो ये रोजे के दरमियान बेहतरीन मौका मिलता है ये दो ऑर्गन्स को कि बॉडी में जो जहरीला मादा है उसको बाहर निकालें अच्छा दैट इज कॉल्ड डिटॉक्सीफिकेशन तो डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से रिन्यू हो जाता है रिन्यू हो जाता है फिर से नए सिरे से शुरू हो, हो जाता है। जी जाते अच्छा डॉक्टर साहब आप तो मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और आपके पास तो डायबिटिक मरीज डायबिटिक पेशेंट्स तो आते ही होंगे हो तो कहते हैं कि रोज़ा रखने से बड़ी कमज़ोरी होती है डायबिटिक पेशेंट को क्या ये वाकई में ये सही है कमज़ोरी मैं आपको जैसा बताया इट इज़ ओनली साइकोलॉजिकल या इनिशियल पीरियड में जब इंसान को आदत होती है तीन टाइम खाने की तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि भाई मैं आज दो बार ही खाया हूँ और वो भी वक्फा काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो हो सकता है कमजोरी हो जाएंगी हाँ हाँ। मगर डायबिटीज़ पेशेंट्स में आपको मैं बता दूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है रोजे में तो अच्छा। इंसुलिन का एक्शन और बेटर होता है जो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है डायबिटीज़ में भी रोजा जो है काफ़ी इफेक्टिव है एज गुड एज मेडिसिन नॉर्मली बॉडी रेजिस्ट करती है कुछ चीज़ों को एक्ट करने से रोजे में वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है अच्छा अच्छा यानी हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर लेवल वाले भी रोजा रख सकते हैं कहने हाई शुगर वाले तो और आसानी से रख सकते हैं जी हाँ जी हाँ क्योंकि लो शुगर हाइपोग्लाइसीमिया होने होने तक उनकी जो हाई शुगर है वो नॉर्मल लेवल्स तक आ जाएगी अच्छा आ, जा। और एक सिंपल चीज़ है कि लो शुगर या हाई शुगर के अगर आप डायबिटिक पेशेंट को समझा दें कि ये सिम्टम्स है तो वो अप्रिहेंशन और वो डर निकल जाएगा जैसा लो शुगर में जो है लो बॉडी टेम्परेचर होता है जिसम ठंडा हो जाता है जी आ, जी। पसीने जाने लगते हैं और बॉडी थरथराने लगती है ये लो प्रे, लो, 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 लो ब्लड शुगर के अच्छा, सिम्टम्स है हाई हाई ब्लड प्रेशर है, है। है। है शुगर हाइपर ग्लाइसीमिया जी जी उस वक्त जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हाइपर वेंटिलेशन सांस तेजी से चलने लगती है ये अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को आइडिया रहता है कि अब शुगर ज्यादा हो गई है या शुगर कम हो गई है तो उस हिसाब से बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसको मेडिकल एड की ज़रूरत हो थोड़ा सा रेस्ट ले लें और वो ग्लाइकोजन रिकनवर्ट होकर फिर ग्लूकोज फॉर्म में आ जाए रेस्ट लेने तक मगरब का टाइम हो जाएगा जीए इफ्तार जीए। का टाइम तो फिर बात, सही बात वो उसका जुबरान कर देंगे वो फिर जीए जीए। <laughs> <laughs> अच्छा डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को भी इन बातों का शूर रहना है क्योंकि इन अलामत से ही वो बेहतर समझ जाएगा कि क्या ब्लड शुगर लेवल कम हुआ है या बड़ा हुआ है जैसा आप बता रहे कि क्या क्या सिम्टम्स लो लेवल में होते हैं हाई लेवल में होते हैं तो इससे जो है डर निकल जाएगा पेशेंट का और आप जो बता रहे थे कि कुछ लोगों में अप्रिहेंशन है ये अप्रिहेंशन चला जाएगा एक्सेप्ट मैं आप जो जैसा बताया दवा याद हो गई या बिना शहरी के रह गए या फिर खाना ठीक से नहीं खाए और ऑलरेडी शुगर अगर लो थी तो उसमें रोज़ा रहने से थोड़ा सा हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स लो शुगर के सिम्टम्स आ सकते हैं अच्छा अच्छा और अच्छा। मजबूरी की हालत में वैसे वक्त अगर डॉक्टर से रुजू करें तो इमीडिएट वो तो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करके अगर ज़रूरत पड़ने पे ग्लूकोस स्टार्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब ये जब कोई इंसान तीस दिन रोज़ा रखता है तो उस वक्त कहा जाता है कि जिसम में पाए जाने वाले जैसा अभी भी आप बताए कि में पाए जाने वाले जहरीले मादे जो होते हैं जिनको टॉक्सिन कहते हैं है। वो निकल आते हैं वो बॉडी से मतलब खारिज हो जाते हैं और जब खारिज भी हो जाते हैं तो शायद बॉडी की इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम में भी इजाफा होता होगा डेफिनेटली हाँ हर बॉडी में जो मल्टीपल सिस्टम्स है हर सिस्टम को रेस्ट मिलता है जी हाँ सिंथेसिस ऑफ बॉडी सेल्स या बॉडी टिश्यूज जैसा ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन थायराइड में एक है जो ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं हाँ, वो थायरॉक्सिन एक्टिव हो जाता है क्योंकि दूसरे जो सेल्स है जो शुगर आ, कम होने की वजह से एक्टिव हो जाते हैं वहाँ थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने से सिंथेसिस टिश्यू और मसल स्ट्रेंथ फिर बढ़ने लगती है ऐसे अच्छा, केसेस में राइट राइट

कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम होने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है अच्छा तो ब्लड सर्कुलेशन खून ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से हार्ट का इंप्रूवमेंट होता है जी क्योंकि हार्ट को खुद भी ब्लड चाहिए हार्ट सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है मगर हाथ खुद भी ब्लड की जरूरत होती है थ्रू कोरोनरी आर्टरीज उनके जो शेरियान है उसको कोरोनरी बोलते हैं जब हार्ट अच्छा फंक्शन करता है तो पूरे जिसम के आजा ब्रेन लिवर किडनीज ये सब अच्छा फंक्शन करने लगते हैं तो इनडायरेक्टली हार्ट के इम्प्रूवमेंट से दूसरे सिस्टम्स पे भी इफेक्ट पड़ता एफेक्ट है जी हां जी हां रोजे की वजह से खलब यानी हार्ट हार्ट जा। जा। और फेफड़ों या लंग्स के लिए भी ब्रेन, हाँ ब्रेन, ब्रेन के, के लिए यानी तमाम आजा को फर्क पड़ता है यानी रोजे की वजह से जी अभी रिसेंटली फास्टिंग के ऊपर एक जापानी साइंटिस्ट है जी योशोनोरी ओहोसुमी हां हां ऑटोफेजिया के ऊपर रिसर्च किए हैं जिस पे उनको नोबल प्राइज भी मिला है हाँ हा। उसमें रिसर्च में ये मालूम हुआ है कि फास्टिंग के दौरान टी सेल्स जनरेट होते हैं अच्छा जैसा माइस में ट्राई किए कुछ चूहों को पानी दिया गया कुछ चूहों को पानी नहीं दिया गया राइट हाँ। कुछ अरसे के बाद देखा गया है कि टी सेल्स जो है जिसको पानी नहीं दिया गया हाँ। वो काफी इंक्रीज हुए हैं और टी सेल्स एक इम्यून सिस्टम का इम्पोर्टेंट सेल uh, है जिसको टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं इसकी फितरत यह है कि जो खराब सेल्स हैं बॉडी में या कैंसरस सेल्स हैं या डेड सेल्स हैं उसको खाने लगता है अच्छा। अपने बॉडी के सेल अपने बॉडी के सेल्स को खाने लगता है दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजिया ऑटोफेजी ऑटोफेज है वो ये ग्रीक टर्म है यानी अपने आप को खाना फर्स्ट ग्रोइंग ट्यूमर स्लो हो जाते हैं अच्छा अच्छा तो ऐसे काफी फायदे देखे गए हैं रही। फास्टिंग रही। में फास्टिंग जी हाँ लॉन्जिटिविटी एजिंग प्रोसेस भी डिले होता है फास्टिंग में अच्छा अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है वेट रिडक्शन का ओबेसिटी जी हाँ जी हाँ ओबेसिटी फास्टिंग में भी काफी कुछ फायदे हैं जिससे फैट जो एक्सेस जमा है बॉडी में वो मोबिलाइज हो जाता है जी, जी. जैसा शिरीन आर्टरीज में हाँ. अगर फैट एक्सेस हो तो वह अंदर जमा होता है जी। आर्टरीज के ब्लड वेजल के वॉल्स हाँ, पे हाँ. उसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है नैरोइंग होने से ब्लड सर्कुलेशन कम होता है जैसा इंपॉर्टेंट ऐसा है हार्ट जी तो वो कम होने की वजह से हार्ट को भी खिल्लत होती है अपने काम करने में जिसको हम एंजाइना या इस्केमिक पेंस बताते हैं हार्ट के राइट राइट तो वो भी फायदा होता है इसमें फास्टिंग से ये मोबिलाइज हो जाता है ये फैट फास्टिंग से ये देखा गया है कि सिंथेसिस ऑफ न्यू नर्व सेल्स इंक्रीज हो जाती है तो जब ब्रेन सेल्स तो जो डेड सेल्स हैं उसको बहुत फास्ट तरीके से या इन एक्सेसिव जो ऑलरेडी डेड हैं वहां सेल्स का रिप्लेसमेंट होगा अच्छा जब रिप्लेसमेंट होगा तो नेचुरली ब्रेन फंक्शन अच्छा होगा हाँ, हाँ। तो ब्रेन फंक्शन अच्छा होने से एजिंग प्रोसेस डिले होगा हाँ, हाँ। और पार्किंसन और जो अल्जीमज डिजीज है जो हाँ। एक एजिंग प्रोसेस है दैट कैन बी पोस्टोन फर्दर और जिसको बोलेंगे हम ग्रेसफुल एजिंग ग्रेसफुल एजिंग जी जी हाँ। हाँ। ये हाँ। ये होगा इससे रोजे की वजह से कैंसर uh, जैसी लाइलाज बीमारी का भी मतलब क्योर कर सकते हैं लाइलाज बीमारी को भी क्योर कर सकते हैं क्योर तो जी क्योर आप जैसा बताए तो क्योर यानी वो कोई दवाई तो दरियाफ्त नहीं की है लेकिन मुझे लगता है कि कैंसर से बचने के एहतियाती तदाबीर उनने खोज ली हाँ इनडायरेक्ट एविडेंस ये बताता है कि जैसा कीमोथेरेपी कर रहे हैं हाँ। तो फास्ट करने पे वो टी सेल्स ज्यादा होने की वजह से वो सेल्स अपने सेल्स को खा रहे हैं जो खराब डिजीज सेल्स है बीमार सेल्स हैं हाँ। सेल्स हैं जिसको आप और, और दूसरा हाँ। जो कीमोथेरेपी है वो बेटर इफेक्टिव होंगे यानी कि असिस्टेंस मिलेगा अच्छा अच्छा राइट कीमोथेरेपी में उधर से अपने सेल्स भी खा रहे हैं इधर से दवा भी असर कर रही है तो इनडायरेक्ट एविडेंस ये है कि एक अगर लाइफ स्पैन किसी की कम है हाँ, हाँ, वहां पे फास्टिंग करने वालों में लाइफ स्पैन थोड़ी और बढ़ जाएगी अच्छा अच्छा तो इनडायरेक्ट एविडेंस है कि दिस इज हेल्पिंग आप cancer, जैसा डिले कीमोथेरेपी हाँ, या ट्यूमर्स देखे गए हैं हाँ, जो ग्रो हो रहे हैं अगर आप स्कैन कराएं या एमआरआई कराएं तो देखें वो अरेस्ट हो जाते हैं ट्यूमर्स दूसरे जिसको नहीं फास्टिंग नहीं कर रहे हैं उन लोगों में तेज़ी से ट्यूमर आगे बढ़ इन लोगों में स्लो हो जाएगा अच्छा यानी उनकी जिसामत साइज़ बढ़ती जा रही है इनकी कंट्रोल में रहेगी हाँ डॉक्टर साहब मेरा एक और सवाल आपसे है कि इफ्तार के वक्त हम लोग जब इफ्तारी करते हैं उसके बाद फ़ौर ही एक आध आद आधे घंटे के बाद फिर रात का खाना खा लेते हैं और रात का खाने के बाद फिर फजर सहरी के लिए उठते हैं तो उसका जो वक्फ़ा होता है बहुत कम रहता है उसके बाद फिर सहर कर लेते हैं तो ये तमाम ड्यूरेशन तकरीबन मुझे लगता है कि चार पाँच घंटे के दौरान हम मुझे लगता है कि हम ओवर ईट करते हैं तो इसको क्या हम तकसीम करते हुए मील को किस तरह से खाएँ ताकि हमें भी कोई हाज़ी निज़ाम में किस किसी तरह का इफ़ेक्ट ना हो वैसे तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए इसलिए कि आप दिन में जब तीन मील्स लेते हैं जी। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक स्पीड से काम करता है जब आप इफ्तार करते हैं तो आप क्योंकि फास्टिंग कर रहे हैं आप दिन भर से आप खाली पेट हैं और एसिड प्रोडक्शन जो पेट में एक बना हुआ है जी हाँ। वो प्रोसेस जो है डाइजेशन को फास्ट कर देता है अच्छा ये वक्फे में तो आप देखिए इसीलिए शहर तक आपको फिर भूख लगेगी फिर खाना खाएंगे तो मतलब बड़ी तेजी से डाइजेस्ट सिस्टम, सिस्टम होता है और एसिडिटी का जो अप्रहेंशन रहता है कि भाई फास्टिंग स्टमक में जो है एसिडिटी बढ़ सकती है ऐसा नहीं होता है आप नॉर्मल डेज में इतना ज्यादा खाते हैं कि एसिड प्रोडक्शन बढ़ा के रखते हैं वो इनिशियली थोड़ा सा आपको फील होगा स्लोली वो एसिड प्रोडक्शन खुद कम हो जाएगा क्योंकि आप 12 घंटे या दस घंटे जब भी फास्टिंग करते हैं तो पेप्सिन सेल्स जो है बोलते हैं भाई हमको कुछ रेस्ट मिल गया है अच्छा च्छा, तो च्छा। आप देखेंगे रोजों के बाद जो है एसिडिटी काफ़ी लोगों में कम हो जाती है कम हो जाती जी है।, है जी हा, जी हाँ जी हाँ हा। हा। और मुझे लगता है ऐसा भी हम लोग तले हुए चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना भी सही रहेगा क्योंकि ये ऑयली फूड ही ज़्यादा परेशान करता है हाँ फ्राइड फूड्स तलन है या जैसे एक्सेस किसी का ऑलरेडी लिपिड प्रोफाइल जी बढ़ा हुआ है वैसे लोगों में ये जंक फूड वगैरह थोड़ा लिपिड प्रोफाइल और बढ़ा सकता है जिसकी वजह से एक कंडीशन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा। यानी शिरीन में जो है अंदर खून के रगों में चर्बी जमा होने लगती है जिसकी वजह से उसका बोर नैरो होता है और सर्कुलेशन कम हो सकता है तो जहाँ तक हो सके ये फ्राइड फूड्स और जंक फूड्स एवॉड करें एक कंडीशन जैसा सैलमन फिश वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा है स्मोक्ड सैलमन धुएँ पे उसको बनाने से इट इज़ प्रूफ टू बी कैंसरस टू द स्टमक तो चारी ऐसे चीज़ें जो है अवॉइड कर लें बेहतर है चारी कम चारी से कम इस्तेमाल करें जिसमें हाँ, डिफिशंसी है उन लोगों में थोड़ा बहुत जंक फूड एब्जॉर्ब कर लेगा मगर जिसको ऑलरेडी लिपिड प्रोफाइल हाई है हाँ हाँ वो लोगों में तो नुकसान पहुंचा सकता है जी हाँ जी हाँ। तो जहां तक हो सके अवॉइड करें दूसरी चीजों से थोड़ा सा पेट भर सकते हैं जैसा पानी की प्यास ज्यादा अवॉइड uh, करने के लिए बचने के लिए हाँ हाँ। uh, हाँ। वाटर एक्यूमुलेटिंग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वाटरमेलन है, है, है या खीरा है हाँ, खीरा ऐसे चीजों का इस्तेमाल ज्यादा रखें जी हाँ जी, हाँ। जी हाँ। अच्छा इस दौरान रोजे के दौरान स्लीप साइकिल में भी कुछ इफेक्ट होता होगा इनिशियली क्योंकि बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जी जो आपकी हाँ। ऑलरेडी सेट है हाँ। जैसा हम डॉक्टर्स में देखा गया है अगर दिन में हम जागते हैं और रात में सोते हैं हाँ। नाइट ड्यूटी के वक्त रात में जब जागते हैं तो दिन में फिर नींद नहीं आती है हाँ, हाँ। तो दिस इज कॉल्ड ए बायोलॉजिकल क्लॉक Right और बॉडी ऐसी चीज है जो स्लोली इसको एडजस्ट कर लेती है अच्छा कुछ अरसे के दौरान इनिशियली थोड़ी तकलीफ होगी हाँ, मगर बाद में बॉडी एडजस्ट करती हो फिर वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है फिर से चेंज होता है मगर एक फिजोलॉजिकल मेकेनिज्म है जिसमें हम आप खाना खाने के बाद में खून का दौरान पेट के तरफ बढ़ जाता है हाजिमे के लिए अच्छा और ब्रेन को जो है कम हो जाता है Oh, oh, oh. तो इसमें मैकेनिज्म का नाम है स्प्लांक्निक स्प्लांक्निक oh. जो जो यात्री और पेट को सप्लाई करती है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्रेन को कम पहुंचने से हा oh, oh. ब्रेन के खून की कमी होती है दैट इंड्यूज स्लीप अच्छा वो जो है नींद ला सकती है दैट इज वन ऑफ द मैकेजम्स ऑफ स्लीप तो यहाँ right. पे इनडायरेक्टली दैट इज आल्सो हेल्पिंग आप जब खा लेते हैं इफ्तार में जी तो जी पूरा जी सर्कुलेशन स्टमक और इंटेस्टाइन के तरफ है और ब्रेन के तरफ कम है तो यू विल गो टू तो स्लीप हा, हा, हा। क्योंकि इस्कीमिया, ब्रेन लिवर हार्ट और ये चार बड़े ऑर्गन्स है जहाँ पे मिनिमम 800 हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड सी ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूस होते रहता है और ये टॉलरेट नहीं कर सकते इससे कम अगर हो अच्छा हाँ तो ब्रेन में कम होने से दैट इज पार्ट ऑफ इंड्यूसिंग स्लीप अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो पेशेंट जो है बेहोश हो सकता है ओह राइट राइट तो ये मैकेनिज्म बॉडी खुद एडजस्ट करते अजस्ट रहती है, है। हाँ जा, जा। आपको महसूस भी नहीं होता है ब्रेन है। से सिग्नल्स जाते हैं कि भाई मेरे पास गजा कम पहुंच रही है ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है तो फिर हार्ट का फंक्शन बढ़ जाता है जा। हार्ट हाँ। जो है ऑटोमेटिकली सब... जब रोजे रखने लगेगा एक पांच छह दिन के बाद सब एडजस्ट adjust, हो जाता है जैसे एडेप्टेशन प्रोसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि निग्लीजेबल नुकसान है और मैक्सिमम फायदे हैं हाँ, हा थोड़ा हिम्मत कर लें हाँ, ये जो बीमारियों में मुबतला है जो चीजों के लिपिड्स हुए हैं एसिडिटी है बराबर तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी हाँ। जाएं। हाँ। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि नेग्लीजेबल नुकसान हैं नुकसानात और बहुत ज्यादा फायदे हैं जी नाजरीन अभी डॉक्टर कुतुबुद्दीन अंसारी साहब बता रहे थे कि रोज़े रखने की फ़जीलत क्या है रोज़े रखने के साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या होते हैं आपने बताया कि जब कोई रोज़ा रखता है तो इंसान के जिस्म में पाए जाने वाले तमाम जहरीली मादे जो टॉक्सिस् होते हैं वो जिस्म से निकल जाते हैं और इम्यून सिस्टम में इजाफ़ा होता है यानी इम्यूनिटी बढ़ती है और आपने ये भी बताया कि ब्लड प्रेशर लेवल और शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और ये भी बताया आपने कि इंसान के जिस्म में जो चर्बी जो जायद चर्बी पाई जाती है वो घट जाती है और साथ ही साथ इंसान के जिस्म का वज़न यानी वेट लॉस भी होता है और आखिर में आपने ये बताया कि ब्रेन के, के फंक्शनिंग में भी सुधार आएगी और बड़ा अच्छा वाक्य आपने सुनाया जापान के साइंसदान का उन्होंने कैंसर से किस तरह से बच सकते हैं उस बारे में भी आपने बताया डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया आप बड़े अच्छी बातें हमारे नाजरीन को सुनाएँ आप, आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में बस इतना ही अगले प्रोग्राम में हम किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए खुदाफिज